नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ हुई जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजीव चौक फारूक नगर में इकट्ठा होकर भाजपा मंडल प्रधान दौलत राम गुजर की अगुवाई में बाजार व चौराहे समेत तमाम स्थानों पर जश्न मनाया। उसके बाद बाजार में नाचते गाते पटाखा फोड़कर धूम धड़ाके के साथ जहां एक ओर जीत का जश्न मनाया गया तो वहीं दूसरी ओर मिठाइयां भी बांटी गई। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राव इंद्रजीत सिंह, मनोहर लाल खट्टर की जय जयकार की, जिससे पहले सीताराम मंदिर गुरुद्वारे में पूजा पाठ की और लड्डू का प्रसाद चढ़ाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए सभी देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की जीत की बधाई दी। सोमवार को राजीव गांधी चौक पर दोपहर करीब 12 बजे भाजपा मंडल प्रधान दौलतराम, पूर्व मंडल प्रधान मुकेश सोनी, भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता सतपाल अरोड़ा, प्यारेलाल सैनी, पूर्व प्रधान देशराज मोतीलाल वर्मा नंबरदार, मास्टर ज्ञानचंद बंगालिया, शिवचरण सिमार, जयंती चौधरी, अशोक धानावास, ओम सिंह यादव, बीरबल सैनी, संजीव कुमार आदि इकट्ठा हुए और भाजपाइयों ने इस जीत पर कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की है। भाजपा मंडल प्रधान दौलतराम सैदपुर ने भाजपाइयों से कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में इन राज्यों की जनता ने मोदी जी की विश्वसनीयता पर व लोकप्रियता पर मोहर लगाते हुए प्रचंड बहुमत के साथ जीत को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर जनता की सेवा करने का मौका दिया है। वहीं तेलंगाना चुनाव में भी भाजपा का वोट प्रतिशत में काफी इजाफा हुआ है। दौलतराम ने कहा कि इन तीनों राज्यों में यह जीत आम जनता व कार्यकर्ताओं की जीत है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सभी वर्गों के उत्थान के लिए जो नीतियां देश प्रदेश में लागू की जा रही हैं और उनका लाभ पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति तक सुगमता से पहुंचता है, यह संदेश पूरे भारतवर्ष में सभी प्रदेशों के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने की जीत का परिणाम है। उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा मोदी जी की नीतियों को कठोरता से लागू करके लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिससे सभी वर्गों के लोग खुश नजर आ रहे हैं। वे आगामी चुनाव में इसका परिणाम रिकॉर्ड जीत के साथ देखने को मिलेगा। फारूक नगर से हमारे संवाददाता कृष्ण सब्बरवाल की रिपोर्ट। सबसे पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, फारूक नगर मंडल की सारी टीम, जिले की टीम, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है, उस उपलक्ष में फारूक नगर मंडल की पूरी टीम, जिले की टीम, इस खुशी में पूरे बाजार में 101 किलो लड्डू बांट रही है और ये लड्डू भारतीय जनता पार्टी श्री राम मंदिर में इनका भोग लगा के शुरुआत की है और आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं श्री राम जी से कि 2024 में ये शुभ दिन भी दिखाता रहे, हमें ये शुभ दिन दिखाता रहे और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और हरियाणा में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हम लड्डू बांटते रहे और हम ऐसे ही लड्डू बांटते रहे। यह खुशियां सबकी खुशियां है। भारत माता की, जनता पार्टी।